क्या कहते हैं, जो इस कांड में जैसे ऐसे सब करता है और जो उसका साथ दे छोड़ाने में, उसको भी सजा जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कानून इसके लिए बनेगा नहीं, कोई लागू नहीं होगा, तो ऐसे ही कांड आज मेरे ऊपर पड़ा, हो सकता कल और भी किसी के ऊपर पड़े। इसलिए इसके खिलाफ़ जरूर से ज़रूर अच्छा कार्रवाई होए, जो कि देश की बेटियां सुरक्षित रहें। क्योंकि इस तरह तो बेटियां निकलना घर से मुश्किल हो जाएगा उनको। एक तो करेंगे सब, दूसरे के साथ ले लेंगे कि मेरा साथ दे रहा है, उससे बचाव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज गरीबी के ऊपर हुआ है, तो हो सकता है बड़ों के ऊपर हो, तो बहुत गलत बात है। इसके ऊपर ज़रूर सरकार को कानून बनाना चाहिए। बस मेरी यही विनती। मेरी बेटी काम करने गई सवेरे 8 बजे, ये 6:30 बजे छुट्टी हो गया। 6:30 बजे छुट्टी हुआ, घर पर नहीं आई। उसके बाद मैं फैक्ट्री गेट पर गया, गेटमैन ने बोला कि 6:30 बजे छुट्टी हो गई। फिर मैं आके घर पर कॉल किया, जो फोरमैन है उसके साथ, तो फोरमैन बोला कि कोई नहीं, मैं पता करता हूँ। तो उसने पता किया, कहता है सहेली के पास गई है। आ सहेली है नहीं उसकी, सहेली है नहीं, अभी 2-2 महीने काम पर लगे हुआ था। सहेली कोई, सहेली सहेली कोई नहीं था उसके साथ। फिर उन्होंने, मैं इंतज़ार करते करते करते, कहता मैं लेके आ रहा हूँ। उन्होंने फिर लेके आया गली में उतार रहा। उसको संजय को बोला तुम चले जाओ, मैं देख लूँगा। फिर बंदे ने पकड़ के उसको पुलिस वाले के बुलाया। तो आप थाने गए थे, फिर उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई ये की है कि मैं पूरी तुम्हारे साथ हूँ, पूरा मदद करूँगा। जिहड़ा रेप मामला है, साढ़े को एक रुक आया से हॉस्पिटल तो, कि एक लड़की एडमिट है रेप कारण, जिससे असी हॉस्पिटल दे विच ESIC दे विच गए। तो उत्थे सानूं लड़की का फादर मिलिया, असी उसके फादर के बयान से असी FIR दर्ज की हैगी है। तो उन्हें 2 जणिआं के खिलाफ स्टेटमेंट लिखाई है अपनी, एक है संजय तो एक है कुंवर बहादुर सिंह, कि उन्होंने उस लड़की नाल 2 जणिआं ने फैक्ट्री चे तक फैक्ट्री गैंग रेप किया है। जिस तो बाद असी दोषियों अरैसट किया, तो लड़की की स्टेटमेंट लिखी। आफ्टर दैट असी मैडिकल करवाया, तो वो जो है अगे की इन्वेस्टिगेशन हैगी है वो की गई है। मैम कितने का सी मामला, ये कि फैक्ट्री? ये चेतक फैक्ट्री है नेड़े स्वर्ण पैलेस। टोटल 2 जने से जो आरोपी? हाँ जी टोटल 2 गिरफ्तार कर रहे हैं। हाँ जी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया।